नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक में। रेलवे ग्रुप डी मैथमेटिक्स के लिए टॉप 10 प्रश्न डेली हम कर रहे हैं और ये उस सीरीज का 8वां वीडियो है, यानी कि आज भी हम 10 प्रश्न करेंगे और आज को मिला के आपके 80 यानी कि 80 प्रश्न आप कंप्लीट कर लोगे। हम बता दिए क्वेश्चन मैं कहाँ से करा रहा हूँ, मैं बार बार बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, हमने मैथ के 500 क्वेश्चंस को छाट के निकाला था जो आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में आ सकते हैं, उन्हीं के 10-10 क्वेश्चंस को मैं डेली करा रहा हूँ। एक प्रकार से मैंने इसका नाम दिया था गेस पेपर। क्या दिया था? गेस पेपर। अब गेस पेपर क्या होता है भाई? परीक्षा से पहले कुछ क्वेश्चनों का समूह को हम गेस पेपर कहते हैं, जिनसे ज्यादातर प्रश्न परीक्षा में फंसने की संभावना होती है। और मैंने बोला कि भाई 14 से 15 प्रश्न 100% इस पीडीएफ से फंसने वाले हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहां से जाके ले सकते हो। ठीक, इसी टाइप के प्रश्न आपके बन सकते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में। चलिए शुरू करें, 8वें दिन की क्लास है। इसके अलावा हम बात करें स्टैटिक जीके का, हमारा कंप्लीट पीडीएफ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर जो आपके एनटीपीसी सीबीडीटू के एग्जाम है तो ये कंपल्सरी है, लेना ही लेना है। इसके अलावा आपको हमारे मैथ के 500 क्वेश्चन की गेस पेपर मिल जाएगी। ठीक है, मैथ के 500 क्वेश्चन की गेस पेपर, साथ में साइंस की ये 5000 प्रश्नों की ये पीडीएफ है कंप्लीट, ये भी मिल जाएगी। सारे इंपॉर्टेंट जो हमारे पीडीएफ हैं, जो नोट्स हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं। उसी क्रम में हमारे टेलीग्राम ग्रुप, हमारे इंस्टाग्राम, दोनों पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। तो आगे चले, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा। कल वाली क्लास में लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन बताया था, अगर जो किसी संख्या का एक्स का वाई परसेंट हमें निकालना है और हमें ये मुश्किल बुझा रहा हो, तो हम वाई का एक्स परसेंट भी निकाल लें, आंसर वही आएगा। ठीक, चलो ये हमने बताया था। चलिए उसी क्रम में ये वाला क्वेश्चन दिया है आपका, इसी क्रम में ये क्वेश्चन दिया है 25 का 560%। हम 560 को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो दिक्कत होगा, हम समझ में नहीं आएगा, बहुत टाइम लगेगा। 60 का 380% निकालेंगे, टाइम आएगा। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से? क्या इसको हम 560 का 25% लिख सकते हैं? 560 गुणा 25% लिख सकते हैं, या इसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं हम 380 का हम 60%। क्या लिख सकते हैं कि नहीं? अब हमें पता चल गया, तो 25% कितना होता है? रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, 1/4 अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, और अगर जो हम बात करें 60% कितना होता है, तो 60% होता है आपका 3/5। ठीक, चलिए निकाल देते हैं भाई, 560 का गुणा 25 को 1/4 लिख सकते हैं, प्लस 380 को हम 3/5 लिख सकते हैं। अब देखो ये कितना सिंपल हो गया, कितनी सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मुझे बताना पड़ रहा है, मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, नहीं तो आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 560 को काटोगे, 4 और 4 × 16 140 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 से काटोगे, 5 × 7 = 35 और 3 5 × 6 = 30 यानी कि 76 × 3 करोगे, 6 × 3 = 18 81 हो गया, और 7 × 21 = 22 यानी कि 228 प्लस 140 ये कितना हो जाएगा? 8, यानी कि लास्ट में जिसमें भी 8 आया वो आंसर होगा। और 4 × 2 = 6 और 2 × 1 = 368 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं पे छोटा सा भी कोई दिक्कत हुआ हो, कहीं पे छोटा सा भी समस्या आया हो तो कमेंट करके बता सकते हो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। आप जब परसेंटेज पढ़े होगे तो आपने दशमलव भिन्न को परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज को दशमलव भिन्न में बदलना आपने पढ़ा होगा। तो 1/7 की बात करें, ये कितना होता है? 14 point कुछ होता है, 14 point कुछ होता है। अब हम बात करें 1/7 की बात की हमने, 1/7 की। अब अगर जो हम 1/7 में हमें यहाँ पे दे दिया 42 point कुछ दे दिया, 42 point कुछ दे दिया, तो हमें समझना चाहिए कि 42 किसके मल्टीपल में है? 14 के मल्टीपल में है। यानी कि 1/7 में अगर जो हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 14 × 3 = 42 होता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं हमारा 3/7 होगा। ठीक, अब मैं समझाना क्या चाहता हूँ, मैं फिर से यहाँ पे बताना चाहूंगा, मैं समझाना चाहूंगा कि ये जो 42.15 है, 42.85% है, ये अनुपात में कितना आएगा? 3/7 में, यही समझाना चाह रहा था। ठीक है, चलो अब दिया एक संख्या क्या 42.85%, उसी संख्या में जोड़ने पे हमें 540 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी? हम मान लेते हैं भाई संख्या यक्ष होगी, राम होगी, श्याम होगी, कुछ भी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं संख्या यक्ष होगी।
बोला है एक संख्या का 42%, एक संख्या का इतना परसेंट, यानी कि एक संख्या का इतना परसेंट में वह संख्या जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो 540 प्राप्त होती है। अब इसको ही सोल्व करना है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया भैया। तो ये क्या है, 3/7 है ना, 3/7 है, 7 का मल्टीप्लाई है, यानी कि ये हो गया 7x प्लस 7 का मल्टीप्लाई इधर, यानी कि 7x ये तो गुणा है ना, गलतियां होती रहती हैं जब मैथमेटिक्स में आप जल्दीबाजी करोगे तो गलतियां हो जाएंगी। ठीक, चलिए x का 3/7% गुणा प्लस x बराबर 540। चलिए अब क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा 3x है ही, 3x प्लस ये हमारा 7 है, ये हमारा 7x हो गया, और फिर 7 का इधर मल्टीप्लाई होने के साथ साथ इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 540 गुणा 7। ठीक, अब 7 3 हो गया 10x, यानी कि x बराबर 10 नीचे आ जाएगा, 540 गुणे बटे 10 गुणे 7, ये 10 से ये कटा, 54 गुणा 7 जो भी आया आपका आंसर हो जाएगा, 54 गुणा 7 जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। अब इतना पहाड़ा तो आपको आना चाहिए, 7 चौके 28 यानी कि लास्ट में 8 आ रहा है, 378 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, 378। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 3 क्या है, एक संख्या का अंतर, एक संख्या का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यानी कि 20% को अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करें तो 1/5 आया। ठीक, एक संख्या, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या उनका अंतर, उनका अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर, यानी कि अगर जो बड़ी संख्या 5 है, छोटी संख्या आपको निकालनी है, लेकिन छोटी संख्या का अंतर जो बड़ी संख्या के बीच में वो कितना है, वो 20% के बराबर है, यानी कि यहाँ पर ये 20% के बराबर, यहाँ पर ये अंतर 4 है और यहाँ पर ये अंतर 20% के बराबर है, और यहाँ पे अंतर 6 संख्या 20 है। तो सॉरी मैं फिर से समझाता हूँ। ठीक, चलिए चलिए अब देख लीजिए भाई, दिया है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या है, दो संख्या है, उन संख्याओं का अंतर उनमें से जो बड़ी संख्या उसके 20% के बराबर है, अगर जो हम 20% को हम रेशियो में कन्वर्ट करें तो 1/5 आया, यानी कि बड़ी संख्या ये हुई और ये इनका अंतर है, और इनके बीच जो होगा अंतर वो छोटी संख्या होगी, यानी कि इन दोनों का अंतर यहाँ पे कितना है, 4 आया, और ये 4 हमारी छोटी संख्या होगी जिसकी वैल्यू दी है 20। ठीक है, तो हमें बड़ी संख्या निकालना है, 4 हमारी छोटी संख्या तो 5 बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या, 20/4 गुणे 5, 4 से काटोगे 5 बार में, 5 5 25, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए वाला राइट आंसर। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता सकते हो, परसेंटेज जब आप पढ़ोगे, रेशियो मेथड पढ़ोगे तो आपको सब आपके सारे समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, अब क्वेश्चन धीरे धीरे अच्छे वाले आ रहे हैं, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या का 40%, छोटी संख्या के 60% के बराबर है, उन दोनों का योग 150 हो तो बड़ी संख्या आपको निकालनी है, उन दोनों का योग 150 हो तो बड़ी संख्या आपको निकालनी है। चलिए देखते हैं भाई, दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40%, यानी कि अगर जो 40% को हम रेशियो में कन्वर्ट करें कितना आएगा, 2/5 आएगा, 2/5 आएगा 40%, और 60% कितना आएगा, 60% आएगा 3/5, ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं है के बराबर है, तो यदि इन दोनों का योग 150 हो, यानी कि छोटी संख्या, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, छोटी संख्या का 60% दिया है के बराबर है, यदि इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना दिया है, इन दोनों का योग 150 हो, यानी कि इनका इनका योग, इनका इनका योग कितना दिया, 150 दिया, यानी कि 2+3 150 हो, तो आपसे पूछा है बड़ी संख्या, 2 और 3 150 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/1 रेशियो, यानी कि ये 5 रेशियो बराबर 150, तो 1 रेशियो बराबर 30 हो जाएगा, तो बड़ी संख्या निकाल सकते हो 90 और छोटी संख्या निकाल सकते हो यहाँ पे 60, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बड़ी संख्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चले, आगे चले, समझ में आ रहा ना, जहां पे भी नहीं समझ में आएगा टोक देना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5वां, A का 18% बराबर है B के 20% का, तो A का 18% बराबर है B के 20% की, तो A/B कितना हो जाएगा,
20/18 ये काट दोगे 10/9। अब आपसे पूछा क्या है कि बी ए का कितना परसेंट होगा, बी ए का, तो ए कितना है यहाँ पे, ए 10 है, यानी कि ए का बी कितना परसेंट हो गया, 9 × 100% निकालना, ये कट गया यानी कि 90, 9 × 10 यानी कि 90% के बराबर होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए 90% के बराबर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चले आगे, चले आगे, चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है आपका छठा, छठा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने परसेंट की कमी करें कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। चीनी का मूल्य जो था उसमें 20% की वृद्धि हो गई, खपत में कितना परसेंट की कमी करें तो उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई किसमें, प्राइस में, यानी कि मूल्य में 20% पूरी इशू में कन्वर्ट करेंगे 1/5, 1/5 यानी कि प्राइस में जो वृद्धि हुई वो 5 पहले थी, अब कितनी हो गई, बढ़ के 1 वृद्धि, यानी कि 5:6 हो गई। तो याद रखिएगा यहां पे दिया प्राइस खपत, प्राइस दिया है, खपत दिया है और कुछ नहीं दिया है। जब और कुछ नहीं दिया है तो प्राइस का जो अनुपात होगा वो खपत के अनुपात के अनुपात के क्या होगा, क्या होगा, उल्टा होगा। यानी कि अगर जो प्राइस का अनुपात दिया है तो खपत का यानी कि एक्सपेंडिचर का अनुपात जो होगा वो 6:5 हो जाएगा। क्लियर है। अब पूछा है मूल्य में 20% की वृद्धि तो हो गई, पूछा है खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। वृद्धि होने से खपत कितना हो गया, 6 पहले था, अब कितना हो रहा है, 5, यानी कि कितना अंतर आ रहा है, 1 का, 1/ पहले वाला 6 × 100, ये हमारा सॉल्व करोगे आंसर निकल के आ जाएगा। बस इसे सॉल्व करो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करना, कुछ भी आपको बर्डन नहीं लेना, ठीक है। तो यहां से काटोगे 3, यहां से काटोगे 50, तो ये आपका 16 × 2/3 आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, 16 × 2/3। ठीक, चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 देखिए, तेल के मूल्य में 10% की कमी करने पे, कुछ नहीं करना, कितना कमी हो रहा है, 10% की कमी हो रहा है, रेशियो में बदला 1/10, मूल्य की बात हो रही है, प्राइस तो 10 से कितना कमी हो रहा है ना, कमी करने पर तो 10 से कितना हो जाएगा, 9, 10/9। तो यहाँ पे और कुछ नहीं दिया है, हमारा कितना खपत की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर की बात हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर हमारा 9/10 हो जाएगा। कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, पहले 9 था अब 10 हो रहा है, अंतर कितना, 1 का, 1 पहले कितना था, 9/9 × 100, ठीक है, आपका कितना आएगा, 11/1/9%, ऑप्शन नंबर बी 11/1/9%। आप भाग देखे देख लो, 100 में 9 का 11/1/9% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 11/1/9%। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आठवां दिया, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। चीनी के मूल्य में 16 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है, 16 रुपया किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपया प्रति किलोग्राम होने पर गृहिणी को, एक गृहिणी है उसको चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी कर देना चाहिए कि खर्च में कोई असर ना पड़े। तो इन दोनों का अंतर लिखो, इन दोनों का अंतर 2, ठीक, प्लस इन दोनों के अंतर के बाद पहले कितना था, पहले कितना था 16 रुपया, तो पहले कितना था 16 रुपया, अब कितना हो जा रहा है 18 रुपया, तो अब वाला दाम लिख दो 18, अब वाला दाम लिख दो 18, मल्टीप्लाई कर दो 100, आंसर निकल के आ जाएगा। अब वाला दाम लिखो 18, मल्टीप्लाई करो 100, आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि 2/18 यानी कि 1/9 × 100, 11/1/9%, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, खपत में प्रतिशत कमी बराबर या खपत में प्रतिशत वृद्धि बराबर जितना भी वृद्धि हुआ है, जितना भी कमी हुआ उसका अंतर, ठीक है, उसका अंतर बटे अभी जितना हो गया है वो 100, ठीक है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें मैं क्या बताऊँ, कुछ नहीं करना, इन दोनों का अंतर बटे अभी जो मूल्य हो गया है 100, बस आंसर हो गया। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन करते हैं, अब देखो इसको मैं जल्दी से करके आपको दिखाता हूँ क्या करना है। सबसे पहला काम, संतरे का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 15 हो गया, अब उसके व्यक्ति खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो इन दोनों का अंतर 20-15 का अंतर 5, अब कितना है 15 × 100, 5 यानी कि 1/3, 1/3 × 100/3 आ गया, यानी कि 100/3 यानी कि 33/1/3, ऑप्शन नंबर ए, 33/1/3 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए।
क्या कोई दिक्कत हुआ, क्या कोई परेशानी हुआ, क्या इस टाइप का प्रश्न आएगा तब आपका छूटेगा, क्या इस टाइप का प्रश्न छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा ना, नहीं छूटेगा ना। चलिए आगे चले, आगे चले, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा दसवां, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। एक व्यक्ति के वेतन में, एक व्यक्ति वेतन में 21.42% की वृद्धि होने पर उसके वेतन में 42,500 रुपये हो गया, उसकी वृद्धि से पहले कितना था। ये परसेंटेज को रेशियो में बदलना आना चाहिए, परसेंटेज को रेशियो में बदलना आना चाहिए, ठीक है, परसेंटेज को रेशियो में बदलना आना चाहिए। हम 1/14 रेशियो में पढ़ते हैं, 7.00 होता है, तो हमारा 7 का 3 गुना है, यानी कि 3/14 के आसपास ये होगा। यानी कि अगर जो हम बात करें 21.42% बराबर ये हमारा 3/14 होगा, ठीक। तो बोला क्या है, एक व्यक्ति के वेतन में इतने परसेंट की वृद्धि होने पर, यानी कि वेतन पहले 14 था अब 3 की वृद्धि हो गया, उसका वेतन इतना हो गया, यानी कि उसका वेतन पहले 14 था अब 3 वृद्धि हो गया, यानी कि टोटल वेतन 17 हो गया। तो 17 बराबर दिया है 42,500 दिया है, ठीक। तो पूछा है वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था, 14 था, तो 14 निकाल लो, 14 निकालोगे 42,500/17×14 यही होगा ना, 17×14। इसको सिंप्लीफिकेशन करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक, इसको सिंप्लीफिकेशन करोगे आंसर निकल के आ जाएगा। काटो 17 दुना 34 दो बार में जाएगा 34 और 34, उसके बाद बचा यहाँ पे कितना 6 और 7 8 8 8, यानी कि 85 17 5 85 और 00 2500×14 करोगे यहाँ पे आंसर कितना आएगा, देख लो आंसर कितना आएगा भाई, इसका आंसर मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफिकेशन करोगे इसका आंसर निकल के आ जाएगा समथिंग 35,000 के आसपास आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज की क्लास के 10 क्वेश्चन, और नहीं समझ में आया कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट रहेगा तो कॉमेंट करके पूछ लेना। ये परसेंटेज हम बढ़ रहे थे, परसेंटेज के बाद कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जो परसेंटेज के हम करेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस पे चलेंगे, ठीक, उसके बाद प्रॉफिट लॉस पे चलेंगे। और आई होप आपको ये क्लास, ये सीरीज अच्छी लग रही है, इसी प्रकार से आपने 80 क्वेश्चन कर लिया, इसी प्रकार से 500 भी करोगे, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।